हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस, अगर आप बिंग म्यूजिक ऐप से कलर टोन हटाना चाहते हैं तो किस तरीके से हटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, जैसे कि अगर आप बिंग म्यूजिक में कोई भी कलर टोन आप सेट किए हैं उसके बाद सोच रहे हैं उसको हटाने के लिए तो किस तरीके से हटाएंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरीके से वीडियो बताऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको बिंग म्यूजिक ऐप जो है ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फिर गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो टोन का ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आपके नंबर पे कलर टोन लगा रहेगा तो यहाँ पे ऊपर शो करेगा, आपका जो कलर टोन रहेगा वो यहाँ पे ऊपर शो करेगा, ठीक है। इसके सामने आप देखेंगे यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो कलर टोन है हमारे नंबर पर लगा है तो ठीक है, इसको हमको हटाना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैनेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे ऑल कलर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेकंड नंबर पे स्टॉप करने का, ठीक है। यहाँ पे हेलो टून मैसेज, यहाँ पे आपको सेकंड वाला नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो रिंगटोन था यहाँ पे हट चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा रिमूव कंटेंट हेलो टोन, तो आपको इसको भी क्लिक करके यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। तो गाइस, आपका जो कलर टोन था यहाँ पे हट चुका है। बस गाइस, आपको इतना ही करना है, अगर आप इतना चीज़ करेंगे तो आपका जो कलर टोन लगा था वो हट जाएगा, ठीक है। तो गाइस, आप इसी तरीके से कलर टोन को हटा सकते हैं। अगर फिर भी हटाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।